कोरोना की वजह से फैली महामारी के चलते जो जहां था वहीं ठहर गया। लेकिन अब जब पता नहीं है कि लॉकडाउन कब तक आगे बढ़ने वाला है, तो लोग अब अपने घर जाने के लिए परेशान होने लगे हैं। लॉकडाउन के बाद कैसे लोग पैदल ही अपने गाँव के लिए निकल गए थे, वो नजारा तो आपने अपने टीवी या फिर सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। अभी भी लोग किसी न किसी तरह से अपने गाँव जाना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं। ऐसी ही एक खबर फरीदाबाद से सामने आई, जब एक प्रवासी बिहार में हुई अपने भाई की मौत पर साइकिल से बिहार जाने के लिए तैयार था, जिसे पुलिस ने जाने दिया। तो फिर कई और लोग साइकिल से ही बिहार जाने के लिए तैयार हो गए और हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करने लगे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आप साइकिल से कैसे जा पाएंगे इतनी दूर, और कब तक आप पहुंचेंगे? आराम से निकल जाएंगे। आराम आराम से कैसे पहुंचेंगे? आपको 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे पहुंचने। 10 दिन तो लग ही जाएगा। तो क्या कॉल आया था, क्या आया था वहाँ से, क्या बताया गया? कॉल परसों रोज वहाँ से आए थे, सन घाट से। हाँ, तो बोला रे घर पर आ जाओ, तुलो नहीं जाएगा तो कैसे होगा। अच्छा, तो कैसे हुई है डेथ उनकी? डाबरी थाना में हुआ है सर। अच्छा, तो यहाँ जो अधिकारी लोग हैं क्या बोल रहे हैं? अभी तो सर कुछ नहीं बता रहे, रोक रहे हैं अभी सर। विनती कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, नीचे बैठकर गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह उनके गांव जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन पुलिस भी इन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। पुलिस को भी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन करना है। इस बारे में ACP फरीदाबाद आदर्श दीप सिंह से बात की गई। मेरे पास एक आया था, वो कहता जी मेरे भाई की डेथ हो चुकी है, तो मैंने उसको एक को अलाउ किया, तो उसके बाद साथ के साथ दो लेबर और साथ में आ गए हैं, तो हमें ये नहीं पता कि ये लेबर मूवमेंट कर रहे हैं कि डेथ कर रहे हैं। एक ने डेथ सर्टिफिकेट दिया है जिसको हमने अलाउ कर दिया, बट अब ये साथ में दो और कौन जा रहे हैं हमें इसका कोई क्लियर नहीं है, इसलिए हम इन पे अभी तक हम इनको नहीं जाने दे रहे, और बिहार साइकिल पे जाना वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप इनको यहाँ पे रोक के रखेंगे या यहाँ पे अभी रह रहे हैं? जहाँ ये रह रहे हैं वहीं वापस जाएंगे। अब सरकारों को चाहिए कि ऐसे वर्कर्स को उनके टेस्ट कर उनके गांव भेजे जाने के इंतजाम किए जाएं, जैसे कि यूपी सरकार कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में फंसे वर्कर्स को प्रदेश में वापस लाने का काम किया जा रहा है। अगर इसी तरह बाकी राज्यों की सरकारें भी पहल कर अपने राज्यों के वर्कर्स को अपने प्रदेश में वापस लाने के लिए प्रयास करेंगी, तो ऐसे इन लोगों को बिहार जाने के लिए साइकिल पर जाने जैसा बड़ा फैसला नहीं लेना पड़ेगा।